रिपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रणामिका। देखिए, वापस से बात लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की। काफी अलग तलग पड़ चुके हैं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव, और अब इतने ज्यादा आहत हैं, इतने ज्यादा उनको चोट लगी है कि अपनी उपेक्षा पर वो खुल करके हमला भी नहीं बोल पा रहे। तेज प्रताप यादव ने स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने को लेकर के अपनी पीड़ा जिस तरीके से जाहिर की थी, उसके बाद माँ राबड़ी देवी पटना पहुंच गई। पटना पहुंचती वो तेज प्रताप यादव से मुलाकात के लिए भी गई, लेकिन बड़े लाल से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई। आपको बता दें कि पार्टी से साइडलाइन किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति के नाम से संगठन खड़ा किया है। अब इसी संगठन की तरफ से आज यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर पटना में जनशक्ति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे विश्व यात्रा की शुरुआत तेज प्रताप यादव करेंगे। जी हाँ, और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी मां राबड़ी देवी के पटना पहुंचने को लेकर के सवाल पूछे जाने पर तेज प्रताप ने कहा कि नवरात्र में देवी की आराधना के लिए हमने पूजा पाठ शुरू किया है, तो मां दिल्ली से पटना आ गई। तेज प्रताप से जब ये पूछा गया कि क्या वो अपनी मां का आशीर्वाद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो आशीर्वाद क्यों नहीं लेंगे, यानी कि आशीर्वाद लेना तो लाजमी है। आप बता दें कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सोमवार की आज जनशक्ति परिषद ने पैदल मार्च का आयोजन किया है, और इस कार्यक्रम में सभी छात्र नौजवान को शामिल होने का आह्वान तेज प्रताप यादव ने किया है। तेज प्रताप ने लखीमपुर मामले की CBI जांच कराने की भी मांग की और कहा है कि समय मिलने पर वो लखीमपुर भी जाएंगे। तो फिलहाल छोड़ में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।